आधा घंटे तक बोले कि तू मैडम मैडम तो पूछने गए मैडम गले में आता था गला हाथ डाल के सफा करो उसका बच्चे का भर्ती करा 3 घंटे की अरे फिर 4-4 घंटे खाने भी लगाया जब तक जाने का टाइम अब हमारा टाइम था जाने का घर जाने का टाइम था हमारा तब नहीं संभाली उसने चिल्लाने दौड़ती नहीं ललकारती बहुत बच्चा जो था मतलब हमारे पास था वो खेलता था अभी सुबह धूप दिया है ना लेटिंग करी उसने इसके ऊपर नहीं ले रही है वो इसके ऊपर ले ले तो अच्छी बात है हमें भी याद है कारण अच्छी आ रहा है उसने क्यों नहीं ले इसके ऊपर क्यों वो आई क्यों नहीं पहली बात सच्ची हो रखे हमारे पास कहाँ पर रहते पूरा मामला मेरे को सूचना मिली कि परिवार के हमारी परिवार के कुछ सदस्य थे उनके इसमें मैं आया था और मेरे को पता चला कि यहाँ एक लापरवाही के कारण एक बच्ची को जान चली गई है और वो लापरवाही है यहाँ की कुछ नर्सों के कारण और 3 नर्सों का सक्सेना साहब ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने के लिए जिसमें हमने क्या कि जो है नर्स जो दोषी है उसी पर कार्रवाई की जाए और मैं राजनीति के नाते वो रखता हूँ कि आगामी दिनों में ऐसी कोई घटना इस हॉस्पिटल में ना घटे इस सिलसिले में कलेक्टर साहब से भी बातचीत करूंगा। अच्छा यहाँ बोला जाता है कि सिस्टर जो है डिलीवरी वाले उससे पैसे मांगती है तो यहाँ कितनी सच्चाई है इस बात में मेरे को अभी तक के इस मामले में कोई पता नहीं है जब तक पैसा नहीं अब ये जो भी यहाँ आए महिलाएं वो बताएंगी पैसा मांगती 3,000 रुपए उन्होंने हमसे भी मांगे है आपने दिए कि नहीं दिए नहीं दिए हम लोगों ने अगर पैसे दे देते तो ये मौत नहीं देते तो ये चीज ये नौबत नहीं आती 3,000 की हवाओं में तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी यहाँ के प्रशासन की है हॉस्पिटल के प्रशासन की ठीक है देखा है हमने उनकी मेन कंप्लेंट रात को सिस्टम ने अभद्रता की है तो वो पता करवा रहे किस सिस्टम नोटिस बना के दे रहे सभी सिस्टम को गियर रेंज कौन से सिस्टम की है तो यहाँ जैसे बोला जाता है कि पैसे की भी डिमांड की जाती है नहीं बोला गया गाइड ने बोला गया 3,000 रुपए 3,000 रुपए दे देते मतलब कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम 3,000 रुपए दे देते तो शायद हमारे बच्चे की मौत नहीं मांग रहे थे सर नहीं मांगे थे उन्होंने पैसे मांगे थे सर उन्होंने 3,000 रुपए मांगे थे नहीं मैडम मैडम का तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ सिस्टर सिस्टर और अगर कहीं सिस्टर ने डिमांड की तो उसको शिकायत करनी चाहिए लिखित में शिकायत देनी चाहिए हमसे पैसे मांगे हाँ सिस्टरों में शिकायत करो जिससे पैसे मांगे सर अगर ऐसी घटना बार बार होती है अभी ये तीसरी चौथी घटना है बच्चों की ऐसे पैसे मांगे लेकिन कोई लिखित में आज किसी ने शिकायत नहीं करी इस व्यक्ति ने हमसे पैसे मांगे नहीं जैसे नाम बताओ कि इस व्यक्ति ने हमसे पैसे मांगे तो उसकी तो आप शिकायत करें क्या है नर्स ने पैसे मांगे कौन सी नर्स ने पैसे मांगे होता ही है सर के जो जिसका पेशेंट अगर भर्ती देता है वो सोचता है कि अगर 1,000-2,000 रुपए दे के अगर मेरा काम होता है ऐसी सिचुएशन में अच्छा आप अभी जो 3-4 महिला जो नर्स का बोला गया तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है उनको अपने चौकर नोटिस दे रहे हैं और जो संबंधित जो कर उसका अभद्र पार्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं